हाय फ्रेंड्स, कुमुद की रसोई में आपका स्वागत है। कल एक शॉर्ट वीडियो डाली थी चुकंदर के सूप का, आज उसी का फुल वीडियो मैं डाल रही हूँ। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। इसके लिए एक ग्लास लीजिए, उसमें दो चार टुकड़े बर्फ़ के डालिए, फिर घर की जमाई हुई मलाई कुल्फी डालिए, उसके बाद एक चम्मच भर के ग्लूकोज डालिए। डालने के बाद सूप इसमें डाल दीजिए ग्लास में। देखिए ठंडा ठंडा गर्मियों से राहत दिलाने के लिए सर्व कीजिए। इतना स्वादिष्ट और पावरफुल होता है कि आपके शरीर को ठंडक के साथ साथ न्यूट्रिशन भी प्रदान करेगा। बच्चे बड़े सभी आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। देखिए कितना स्वादिष्ट और लाजवाब ये बन करके तैयार हुआ है। अगर आपको पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। इसमें थोड़ी सी पुदीने की पत्ती डाल करके ठंडा ठंडा कूल कूल इसको सर्व करिए। आइए देखिए इसको कैसे बनाते हैं। इसके लिए एक चुकंदर और चार टमाटर लीजिए, उसको अच्छी तरह से धुल लीजिए, क्योंकि जब हम मार्केट से कोई सब्ज़ी ले आते हैं या फल लाते हैं तो उसमें ढेर सारी मिट्टियाँ रहती हैं। इसको अच्छी तरह से दो तीन पानी धुल लीजिए। धुलने के बाद एक अच्छे से बर्तन में इसको निकाल लीजिए, सारा पानी इसका निथर जाए। टमाटर लीजिए, उसको ऊपर थोड़ा सा चौक कर लिए, कट लगाना है क्योंकि ये उबालना है। कट लगाएंगी तो अच्छे से ये उबल जाएगा और इसका छिलका उतर जाएगा। फिर चुकंदर लीजिए और चुकंदर को भी दोनों आगे और पीछे से काट करके इसको अच्छी तरह से छील लीजिए। देखिए इस तरह से छीलने के बाद इसको दो हिस्सों में करके छोटा छोटा पीस काट लीजिए। बहुत ही टेस्टी इसका सूप बन के तैयार होता है। बच्चे चुकंदर खाना नहीं पसंद करते हैं। अगर इस तरह से आप सूप बना करके ठंडा ठंडा सर्व करेंगी तो बच्चे बहुत ही इसको पसंद करेंगे। देखिए कट हो गया। अब इसको एक भगोना चढ़ाइए, उसमें पानी डालिए और पानी डालने के बाद चुकंदर और टमाटर डाल दीजिए। दो चार जवा लहसुन का डालिए और एक चम्मच काली मिर्च डालिए और एक चम्मच जीरा, खड़ा ही डालना है। डाल करके इसको बॉयल कर लीजिए और एक छोटी सी हरी मिर्च डाल करके इसको 5 मिनट के लिए बॉयल कर लीजिए। देखिए कितने अच्छे से ये उबल रहा है। उबल चुका है, इसका छिलका देखिए टमाटर का निकल चुका है। टमाटर के छिलके को अलग कर लीजिए और इसको एक ग्राइंडर लीजिए, ग्राइंडर में डाल करके अच्छी तरह से पीस लीजिए। इसमें का पानी आपको फेंकना नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके इस पानी को भी डाल करके इसको पीसना है। पीस करके देखिए तैयार हो गया है। अब एक छन्नी लीजिए और छन्नी ले करके इसका पल्प डालिए और डाल करके चम्मच से चला चला करके अच्छे से इसको निकाल लीजिए कि इसमें जो देखिए कचरा रहेगा वो बाहर निकल जाएगा और स्मूथ सूप जो है नीचे चला जाएगा। देखिए कितना स्मूथ और कितना अच्छा इसका कलर आया है, देखने में कितना अच्छा लग रहा है। ये बन के तैयार हो चुका है। अब एक कढ़ाई लीजिए, उसमें थोड़ा सा देसी घी डालिए या फिर रिफाइंड ऑयल डालिए, उसमें एक चम्मच जीरा डालिए, डाल करके इसको छौंक लगा दीजिए। छौंकने के बाद देखिए इसको चला करके 1 मिनट के लिए बॉयल करिए। फिर इसमें काली मिर्च पाउडर डालिए और एक चम्मच चाट मसाला डालिए, चाट मसाला या जलजीरा कुछ भी डाल सकती हैं, इसको डाल दीजिए। फिर एक चम्मच सेंधा नमक और एक चम्मच काला नमक डाल दीजिए। डालने के बाद इसको अच्छी तरह से चला करके 1 मिनट और इसको बॉयल्ड होने दीजिए। बॉयल्ड होने के बाद देखिए आपका ये सूप बन के तैयार हो चुका है। अगर ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि मेरी आपको रेसिपी कैसी लगती है। आप इस सूप को ठंडा या गर्म दोनों तरह से सर्व कर सकती हैं और जब भी सर्व करेंगी तो आपकी तारीफ सभी लोग करेंगे। बच्चे दौड़ दौड़ के आपसे मांग करके इस सूप को पिएंगे, चाहे ठंडा सर्व करिए या गर्म करिए। मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। जय हिंद, जय भारत।